हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 15 अप्रैल 2020। इम्पॉर्टेंट वीकली एमसीक्यू ऑफ अप्रैल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एमसीक्यू रहेगा वो 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का रहेगा। तो देखते हैं वीडियो में क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे। पीआर अंबेडकर स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो कल मनाया गया था, 14 अप्रैल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन और उसके सहयोगियों ने कोरोना महामारी के बीच तेल की कीमतों को बढ़ाने के लिए उत्पादन में 20% की कटौती कर दी है? तो पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्र संगठन मतलब कि ओपेक ने क्या किया है कि जो प्रोडक्शन है उसमें 20% तक की कटौती कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक द्वारा विकासशील देशों के लिए घोषित वित्तीय सहायता कितनी है? तो वो है 20 अरब अमेरिकी डॉलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2D और 3D उत्पाद डिज़ाइन करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा शुरू किया गया सहयोगी नेटवर्क कौन सा है? तो वो है कोलैब कैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने 7 ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और वियतनाम के कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए वार्षिक ब्रिक्स गणित ऑनलाइन प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल ने, जिसे CBSE बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल जो कि 1996 से 1998 तक रहे थे, 1996 से 1998 तक इनका कार्यकाल रहा था, जिनका निधन 13 अप्रैल 2020 को हो गया है, उनका नाम क्या है? तो वो है अशोक देसाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर दिसंबर 2020 में होने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता का मेजबान देश कौन सा है? तो वो हमारा देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाडा के नेतृत्व में प्ले सेफ ऑन प्ले थ्रू दिवस कब मनाया गया है? तो 9 अप्रैल को बाडा के नेतृत्व में प्ले सेफ ऑन प्ले थ्रू दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिया नया वर्ष महाविश्वापना संक्रांति कब मनाया गया है? तो 13 अप्रैल 2020 को महाविश्वापना संक्रांति दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुधन में एंडोकार्साइट कीड़े के इलाज के लिए बर्मीवीट नामक एक स्वदेशी हर्बल दवा विकसित करने वाला संस्थान कौन सा है? तो वो है राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन। सामान्य ज्ञान देख लेते हैं, इससे क्या संबंधित है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो जून 2011 में दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 26 सितंबर 1942 में। कब हुई थी CSIR की स्थापना? 26 सितंबर 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 15 दिसंबर 2003 को, और मुख्यालय मुंबई में है। जलियावाला बाग नरसिंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में जलियावाला बाग नरसिंहार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? तो 7 मई 1960 को सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओके, स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? तो भीमराव रामजी अम्बेडकर जो है स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 16 मई 2008 को ब्रिक्स की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस 2020 के लिए सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल का विषय क्या रहा है? तो कोविड-19 के समय में सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? 11 अप्रैल को। एक तो ये डेट आपको याद रखनी है, दूसरा इसके लिए विषय क्या रहा है? तो कोविड-19 के समय में सुरक्षित मातृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस सिस्टम लर्निंग को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम के उद्देश्य के साथ दुनिया भर के भारतीय मूल के चिकित्सकों ने किस पहल के लिए सहयोग किया है? तो ग्लोबल इंडियन फिजिशियन कोविड-19 के लिए पहल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागा किस कंपनी की एक पहल है जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों को लगभग 1.2 लाख मास्क आपूर्ति की गई है? तो टाटा पावर की ये कंपनी है, जिसके तहत क्या हुआ है कि महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यों में 1.2 मतलब कि 1.2 लाख मास्क की आपूर्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी सहकारी विपणन संघ किस योजना के तहत बचत गट द्वारा फेस मास्क बनाने में मदद करेगा? तो वंदन योजना के द्वारा फेस मास्क बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों और पहलों की निगरानी करने के लिए नया पोर्टल और डैशबोर्ड क्या है? तो वो है युक्ति, यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को उसके क्लब एनर्जी हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए एडिशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टाटा पावर कंपनी को
हैशटैग स्विच ऑफ स्विच टू ऑन अभियान के लिए एडिशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा दिए गए प्रतिष्ठित गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं केजी सुरेश, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों के लिए किस सरकार की खुशी की कक्षा परियोजना 12 अप्रैल 2020 से फिर से शुरू कर दी जाएगी? तो दिल्ली में ये शुरू की जाएगी। देखते हैं आज के सामान्य ज्ञान क्या है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो ये 13 मार्च 1963 में हुई थी। वर्तमान भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, ये 47वें नंबर के हैं। भारत के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर हीरालाल जगसुंदास कानिया, जिन्हें एच जे कानिया के नाम से भी जानते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क मंडल की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 1944 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक अप्रैल का पहला रविवार कौन सी तारीख को मनाया गया? भूवैज्ञानिक दिवस के रूप में 5 अप्रैल को मनाया गया था। विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी की पहल कौन सी है जिसने देश के नागरिक अधिकारियों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में मदद की पेशकश की है? तो एनसीसी योगदान व्यवाम। अब एनसीसी की थोड़ी सी बात करेंगे तो राष्ट्रीय कैडेट कोर को अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल कैडेट क्रॉप्स एनसीसी। और सक्रिय कब हुआ था, मतलब कि इसकी स्थापना कब हुई थी? हाँ जी, स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1947 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। आदर्श भाग एनसीसी का है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। सेनापति हैं डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अप्रैल को भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश के किस शहर तक 2.4 लाख लीटर दूध के साथ दूध दुरंतो स्पेशल भेजा है? तो दिल्ली तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा में सामुदायिक पशुओं को खिलाने के लिए धन आवंटित करने के लिए पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स द्वारा दिए गए हीरो टू एनिमल्स अवार्ड के विजेता कौन बने? तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। और ये है कहाँ के मुख्यमंत्री? तो ये ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्याओं की पहचान, प्रभावी समाधान और हितधारकों के 3 समूहों के साथ योजनाओं के निर्माण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए एम्पावर्ड ग्रुप नंबर 6 का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं अमिताभ कांत जी, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में, और पूर्ववर्ती योजना, इससे पहले कौन सी योजना हुआ करती थी? तो योजना आयोग हुआ करता था। अधिकार क्षेत्र जो है भारत सरकार के पास है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। कार्यपालक अगर पूछ ले यहाँ अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। चेयरपर्सन पदेन अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक संघ ने कोरोना परीक्षण के लिए पॉलीमर शैव एक कम लागत वाला स्वदेशी प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पुणे ने एक स्वदेशी प्रोटोटाइप विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने जीवन लाइट नाम से कम लागत वाला वेंटिलेटर विकसित किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने एक वेंटिलेटर विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस कब मनाया गया? तो 5 अप्रैल को मनाया गया है। बस 2020 के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के लिए विषय क्या रहा है? तो सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स इसकी थीम रही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निजी पेमेंट बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की पेशकश करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने साझेदारी की है। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक की उद्योग अगर पूछ लिया जाए तो बैंकिंग है, स्थापना 2016 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी मदर कंपनी पूछ ली जाए तो भारतीय एयरटेल है। सीईओ हैं अनुव्रता विश्वास, जो कि 24 मई 2018 को नियुक्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना विषाणु के प्रकोप के मद्देनजर रखकर सरकार ने एक वर्ष के लिए सभी सांसदों का कितने % वेतन काटने का निर्णय लिया है? तो 30% तक वेतन काटने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना विषाणु के प्रकोप के मद्देनजर रखकर मंत्रिमंडल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास को कितने साल के लिए निलंबित करने के कदम को मंजूरी दे दी है? तो 2 साल के लिए निलंबित करने को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य विभाग ने संचार बंदी के दौरान एक दिन में 1.93 लाख मीट्रिक टन खाद्य ले जाने वाले कितने डिब्बों को स्थानांतरित करके कीर्तिमान बनाया? तो 70 डिब्बों को स्थानांतरित करके कीर्तिमान बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता आयोजित की गई है? तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा
चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता आयोजित की गई है। वर्ष 2020 से 21 के लिए राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूवी प्रवीण राव, जो कि पहले यूनिफोसिस के मंत्री वो अध्यक्ष हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन है? तो अनुराग श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता हैं। भारतीय कर्मचारी महासंघ इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन ISF के अध्यक्ष कौन बने? तो लोहित भाटिया, उपाध्यक्ष फरहान आजमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम से प्रभावित क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले डकवर्थ लुईस स्टन पद्धति तैयार करने वाले व्यक्ति कौन है, जिनका 2 अप्रैल 2020 को मृत्यु हो गई? तो उनकी मृत्यु हो गई है टॉनी लुईस की। टॉनी लुईस क्या थे? इन्होंने एक डकवर्थ लुईस स्टन पद्धति तैयार की थी और ये पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अपने दरवाजे पर नकदी के लिए डाक विभाग के साथ समझौता किया है? तो केरल ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने आइसोलेशन वार्डों और परीक्षण प्रयोगशालाओं के में हवा के माध्यम से कोविड-19 के संचरण को रोकने के लिए एक नेगेटिव प्रेशर रूम की रचना विकसित की है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपण ने इसकी रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस कब मनाया गया है? तो 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों को कितनी अवधि के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए नियमों में छूट दी है? तो 30 सितंबर 2020 तक। जेम्स कुक विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक व्यापक सर्वेक्षण में पाया गया कि समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण इतने साल में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के 2300 किलोमीटर तक नष्ट हुआ है। तो 5 साल में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के 2300 किलोमीटर क्षेत्र का नष्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क विकास कोष ने अपने 8 सदस्यों में कोविड-19 परियोजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो 5 लाख अमेरिकी डॉलर, लगभग 38 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं सार्क के द्वारा। सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, हिंदी में होती है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसे दक्षेस भी कहते हैं। मुख्यालय काठमांडू में, राजभाषा अंग्रेजी है। महासचिव अजमत बी हुसैन है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका बांग्लादेश के अंदर हुई। नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल की जो काठमांडू होती है कैपिटल और रुपया होती है वहाँ की करेंसी। विद्या देवी भंडारी वहाँ प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर खड़का प्रसाद ओली है। सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के मध्य में होता है सूर्य किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस टीका निर्माण कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ग्रिफिथ विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कोरोना के लिए एक टीका विकसित करने हेतु समझौता किया है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के साथ, जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ विश्वविद्यालय, उन्होंने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार के किस विभाग ने सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विथ कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस की स्थापना की है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विथ कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरीज एंड मिस इन्फॉर्मेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं जिम कैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 2 अग्रणी फुटबॉल क्लब कौन से हैं जो संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक वैश्विक हैशटैग वी एक्टिव अभियान में शामिल होंगे, जो महामारी के चलते घर में फंसे दुनिया भर के लाखों लोगों को सक्रिय रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? तो मोहन बागान और ईस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा संस्थान अपना आर्टेमिस बेस कैंप किस जगह स्थापित करने के लिए कार्य कर रहा है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कार्य करने के लिए कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी असिस्टेंट टू फैसिलिएट इमरजेंसी रेस्पॉन्स अगेंस्ट कोरोना वायरस सेफ प्लस नए ऋण उत्पाद के तहत भारतीय लघु विकास बैंक लघु और मध्यम उद्यमों को कितनी राशि तक की आपातकालीन कार्यशील पूंजी प्रदान करेगा? तो 1 करोड़ रुपए। अब बात करेंगे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की, सिडबी बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। मोहम्मद मुस्तफा सिडबी के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक हैं। मुख्यालय अगर सिडबी का पूछ लिया जाए तो वो है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश कौन सा है जो 10 अप्रैल 2020 को G20 ऊर्जा मंत्रियों की आवासीय बैठक आयोजित करेगा? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब की बात करेंगे तो इसका जो राजधानी होता है वो रियाद होता है, सबसे बड़ा नगर भी रियाद है, मुद्रा रियाल है, मजलिस अल शूरा वहाँ की संसद होती है, मोहम्मद बिन सलमान वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार कोविड-19 प्रकोप से पूरी दूसरी तिमाही में लगभग कितनी पूर्णकालिक नौकरियाँ खो सकती हैं? तो 195 लाख नौकरियाँ खो सकती हैं। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो 2019 में वर्सायी की संधि द्वारा एक राष्ट्रसंघ की संबंध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। 1946 में संयुक्त राष्ट्र के संबंध
पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में 187 देश हैं। स्थापना का उद्देश्य अगर पूछा जाए तो ILO का, तो वैश्विक एवं शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार और श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना महामारी से लड़ने में गरीब देशों की मदद करने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा घोषित की गई राशि कितनी है? तो वो है 15 अरब यूरो, 16.4 अरब अमेरिकी डॉलर। यूरोपीय संघ की बात करेंगे, यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे, तो मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है। इसका अभ्युदय 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक विषय परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना विषाणु प्रकोप के मद्देनजर जनहित में चिकित्सा उपयोग के लिए किस वायु के निर्माताओं को अनुज्ञापत्र देने का निर्णय लिया है? तो ऑक्सीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक घोषणा के अनुसार रोगियों का इलाज करते समय कोरोना के कारण जान गंवा बैठे चिकित्सा पेशेवरों को किस योजना के तहत बीमा प्रदान किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के तहत बीमा प्रदान किया जाएगा। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है, राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2020-21 के लिए शैक्षणिक पत्र से कक्षा 11 के लिए नए 3 विषय कौन कौन से दिए हैं? तो वो है डिजाइनिंग थिंकिंग, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 3 सब्जेक्ट जो हैं 11th क्लास में CBSE बोर्ड के द्वारा ऐड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के फार्मासिस्ट मरीजों और बुजुर्गों के घर पर आवश्यक सेवाओं और दवाओं का वितरण कर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारी के चलते छात्रों को नवाचार करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अभिनव वाता कक्ष और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन चुनौती का नाम क्या है? तो वो है समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में COVID-19 की नैदानिक समझ के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्यबल ने किस नेटवर्क की स्थापना करने की सिफारिश की है? तो इंडिया COVID-19 क्लिनिकल रिसर्च क्लैब रेविटिव नेटवर्क्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन सी है जिसने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के साथ मिलकर COVID-19 महामारी के खिलाफ आम जनता को सूचित करने और सशक्त बनाने के लिए एक जन संचार अभियान के लिए सहयोग किया है? तो हिंदुस्तान लीवर और यूनिसेफ ने मिलकर एक इनोवेशन शुरू किया है। तो हिंदुस्तान लीवर की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1933 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई भारत में है, और व्यक्ति अगर पूछ ले जाए प्रमुख कौन है तो वो हरीश मनवाड़ी। यूनिसेफ की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड अध्यक्ष चैन बेनेमन है, मुख्यालय न्यूयॉर्क, मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और मुखिया अगर पूछ ले जाए तो हेनरीटा H4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने संचार बंदी के दौरान घर से ही सीखने के लिए पाठशाला के लिए पढ़ाई तुम्हार द्वार पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुम्हार द्वार पोर्टल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च बीटा कैरोटीन और लौह प्रमाण के साथ बायो फोर्टिफाइड गाजर की नई किस्म कौन सी है जो गुजरात के जूनागढ़ जिले में वल्लभ भाई बाशराभाई मरवानिया ने विकसित की है? तो मधुवन गाजर नामक एक गाजर की प्रजाति है जो उच्च बीटा कैरोटीन और लौह प्रमाण के साथ बायो फाइट गाजर की किस्म है जिसे विकसित किया है वल्लभ भाई बासरा भाई मरवानिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPF दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अप्रैल को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की अगर आदर्श भाग पूछ लिया जाए तो सेवा और निष्ठा है। 27 जुलाई 1939 को स्थापना हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर अगर पूछ लिया जाए तो अमित शाह जी हैं जो कि गृहमंत्री, इनका निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर गुजरात है। संस्था कार्यपालक अगर पूछ लिया जाए तो डॉक्टर AP माहेश्वरी जो कि IPS है। मात्र संस्था केंद्रीय सैन्य पुलिस बल है, चाइल्ड एजेंसी कोबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण एस्केप 2020 शाश्वत अर्थव्यवस्थाओं की ओर के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित भारत का GDP वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो 4.8% रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकोला मार्च स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार मार्च माह में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत किस स्थिति पर है? तो 71वें स्थिति पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से COVID-19 आपातकाल प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी कोष को मंजूरी दी जो किस अवधि में 3 चरणों में लागू किया जाएगा? तो जनवरी 2020 से 2024 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल नाम से कोविड 19 के प्रबंधन के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जिसका नाम क्या है? तो वो है दीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइफेड और किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्वयं सहायता समूह में एक डिजिटल अभियान के प्रचार के लिए एक डिजिटल संचार रणनीति के विकास के लिए सहयोग किया, ताकि वे आदिवासियों को सुरक्षित रूप से अपने काम करने में मदद कर सकें? तो वो है यूनिसेफ ने क्या किया कि उन सुरक्षित रूप से काम करने में उन्हें मदद होगी। ठीक है, उन्होंने ट्राइफेड और जो यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उन्होंने स्वयं सहायता समूह के लिए एक डिजिटल अभियान प्रचार के लिए शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? तो वो बनी है अनामिका रॉय रस्टवर। भारत की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सामान्य कंपनी की पहली महिला और MD एंड CEO बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 24 जुलाई 2020 अवधि में कहाँ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेला जाएगा? तो यूजीन ओरेगन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्यपाल के कोटे से राज्य विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित होने के लिए किस व्यक्ति के नाम की सिफारिश करने का निर्णय लिया है? तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का निर्णय लिया गया है। संक्रमित श्वसन स्रावों के सुरक्षित प्रबंधन के लिए किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने चित्रा एक्लोव्स सिक्रेशन सेलिडिफिकेशन सिस्टम बनाया है? तो श्री चित्रा तृणमूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज ने एक संक्रमित श्वसन स्रावों से सुरक्षित प्रबंधन के लिए चित्रा एक्लोव्स सिक्रेशन सेलिडिफिकेशन सिस्टम बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस 2020 के लिए विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया, इसके लिए थीम क्या रही है? तो एनहेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। फरवरी 2020 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना रहा है? तो सकल घरेलू उत्पाद का 5.07% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने सभी सदस्य देशों को अस्पताल और संभावित रैनसम वेयर हमले के बारे में एक पर्पल नोटिस जारी किया है? तो इंटरपोल में। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्र ने बस 2019 में दुनिया में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए आवेदन किया है? तो चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार के सहयोग से शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है? तो आरोग्य सेतु IVRS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों और मजदूरों को कितना जीवन बीमा देने की घोषणा की है? तो प्रति व्यक्ति 35 लाख रुपए जीवन बीमा देने की घोषणा की है। वह ऑनलाइन अभियान कौन सा है जो भारत के ऑनलाइन शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सुरक्षा के लिए विचार आमंत्रित करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो वो है भारत पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने कहा कि NPS ग्राहकों को अब COVID-19 के उपचार से संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए आंशिक निकासी की अनुमति दी जाएगी? तो भारतीय पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा ये अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन ने COVID-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत को 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर लगभग 16,500 करोड़ रुपए की मदद देने का आश्वासन दिया है? तो एशियन विकास बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे, स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई, मेट्रो मनीला फिलीपींस में इसका हेड क्वार्टर है, 68 सदस्य देश हैं। माशा तुष्कू असकावा 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं ADB के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे सभी लंबित दावों से निपटन की सुविधा के लिए CBIC द्वारा शुरू की गई विशेष पहल कौन सी है? तो वो स्पेशल रिफंड एंड ड्रॉबैक डिस्पोजल ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत COVID-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज के लिए कितने निवेश की घोषणा की है? तो 15,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कौन थे जिनका 10 अप्रैल को गुड़गांव में निधन हो गया? तो शांति हीरानंद चावला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत एक वर्ष की अवधि के लिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राज विकास शर्मा को। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के पुनर्नियुक्त प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? तो वो बने संजय अग्रवाल। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के फाउंडेशन अगर पूछ लिया जाए तो 1996 में हुआ, हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है, चेयरमैन मानिल वेनो
वेनो गोपाल जी गोपालन है और एमडी सीईओ संजय अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नए जिला प्रभारी मंत्री नियुक्त किए जो कोरोना के प्रसार की जांच करने और राहत उपायों के कार्यान्वयन की दिशा में कार्य करेंगे? तो वो कर्नाटक सरकार ने नए जिला प्रभारी मंत्री नियुक्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड 19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 21 क्षेत्रों में ऑपरेशन शील्ड चलाने की घोषणा की है? तो दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया? तो 12 अप्रैल को मनाया गया। G2G प्रावधान के तहत भारतीय राष्ट्रीय कृषि के सहकारी विपणन संघ लेबनान और किस देश को लगभग 1,00,000 टन गेहूँ निर्यात करेगा? तो भारत अफगानिस्तान और लेबनान को 1,00,000 टन गेहूँ निर्यात करेगा। अफगानिस्तान की राजधानी होती है काबुल। यहाँ की मुद्रा अफगान अफगानी है। राजभाषा पारसी पश्तो है और राष्ट्रपति अशरफ घनी है। लेबनान की राजधानी होती है बेरूत। राष्ट्रपति मिशेल सुलेमान है। प्रधानमंत्री शायद हरीरी है और संसद के अध्यक्ष नवी वेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले 3 वर्षों के लिए कर्नाटक बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो महाबलेश्वर MS को। फाउंडेशन हुआ था इनका 28 फरवरी। कर्नाटक बैंक की अगर बात करेंगे तो कर्नाटक बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924 में हुई। हेडक्वार्टर मैंगलुरु कर्नाटक में है। महाबलेश्वर MS MD एंड CEO हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के नए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति विकानाग राज को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की जिसके तहत कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर पुरस्कार जीतने का मौका पा सकते हैं? तो राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया जो दूर से दिल की धड़कन सुन सकता है और उन्हें रिकॉर्ड भी कर सकता है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई ने। किस संस्था ने कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के लिए मंजूरी प्राप्त की जिसका उद्देश्य किसी बीमार व्यक्ति के उपचार के लिए प्राप्त की गई प्रतिरक्षा शक्ति का उपयोग करना है? तो श्री चित्रा त्रिनूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी केरल ने ये जो मंजूरी है प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने चरक नाम से मोबाइल डॉक्टर बूथ विकसित किया? तो भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे की बात करेंगे तो 16 अप्रैल 1743 को स्थापना हुई। 1941 में राष्ट्रीयकृत हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रमुख व्यक्ति अगर पूछ लिया जाए भारतीय रेलवे में तो केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के विनोद कुमार यादव जी हैं। तो ये था हमारा वीकली MCQ का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। वीडियो पूरा वॉच करना है आपको और एक बार नॉर्मल स्पीड में वॉच कर लीजिए, एक बार स्पीड बढ़ा के वॉच कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा और आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें। एंड आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड डेली मोशन वेबसाइट अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड आपको सबसे इम्पॉर्टेंट खबरी ऐप इंस्टॉल करना है अगर आपके फ़ोन में नहीं है, और वहाँ पर हमें फॉलो भी करना है और ऑडियो रिविज़न ज़रूर से करते जाना है। और आपको कमेंट या क्वेरी आपकी कोई है तो उसे मेंशन कर सकते हैं। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और घर पर रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और निरंतर प्रयास करिए पढ़ने का और आगे बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और मन में हमेशा जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।